तो आज हम आए हैं डिफेंस एक्सपो इन मोशी। 25 फेब को हुआ ये डिफेंस एक्सपो पुणे शहर में। डिफेंस एक्सपो मतलब क्या? तो आपको इस एक्सपो में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इनके आर्टरी और डिफेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और मैं गया था NSS के साथ, नेशनल सर्विस के। तो ये NSS एक्टिविटी कम और डिफेंस एक्सपो विजिट ज़्यादा थी। तो लाइन से हम चल पड़े एक्सपो की ओर। बीच में हमारी चेकिंग हुई, बैग्स की चेकिंग हुई, फिर बाद में हमने ग्रुप फोटोज़ लिए और एग्जीबिशन एक्सप्लोर करने हम निकल पड़े। एग्जीबिशन में जाने के लिए ऑनलाइन कुछ फॉर्म हमने फिल किए थे जिसका QR कोड हमारे मोबाइल में था। वो QR कोड स्कैन होने के बाद ही एग्जीबिशन में एंट्री थी। सो लेट्स एक्सप्लोर द डिफेंस एक्सपो। तो ये जो एग्जीबिशन था वो चार पार्ट में डिवाइड था और उन चार पार्ट्स को उन चार हॉल को नाम दिया था फोर्ट्स का। तो फर्स्ट फोर्ट था रायगढ़, सेकंड था पनाड़ा, थर्ड था शिवनेरी, फोर्थ था सिंधुदुर्ग। और ग्राउंड पर आर्मी बोट, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, ऐसी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट रखी हुई थी। यहाँ पे खाने के स्टॉल भी लगे हुए थे जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। फिर वहाँ पे कुछ आर्मी के लोग थे जो पुशअप्स भी ले रहे थे और स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे यूथ के लड़कों की। वहाँ पे एक एयरफोर्स बस भी लगी हुई थी। तो उस बस में आपको एयरक्राफ्ट कैसे चलाते वो सिखाते थे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसकी डाउन रहेगा तो इसका डाउन जा रहा है, अप है तो ऊपर जा रहा है। ये रनवे की हेडिंग है 08, अभी बच्चे करते रहते 07 पे। तो रनवे एंड हमेशा दो होते हैं, आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए। जब टेक ऑफ कर रहे हैं 08 से लैंडिंग करेंगे 26। ओके, तो एयरक्राफ्ट को कैसे चलाते हैं उसके बारे में हमें विजुअली इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने फाइटर सूट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, इसको फाइटर सूट बोलते हैं। और जनरली इसका जिस तरह का इसने ये पहना हुआ है, इसको हम ओवरऑल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल सिक्स है, ये पूरा का पूरा फैक्ट्री वर्कर या टेक्नीशियंस ये सब इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसको जल्दी से पहना जा सकता है। फाइटर पायलट के लिए कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, उसको जल्दी से रेडी होना पड़ता है। ठीक है, स्पेशल मटेरियल का बना हुआ है, नोमैक्स मिक्स विद कॉटन, 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को ये आराम से सस्टेन करता है। ठीक है, ये नीचे ये कैमल लेदर से बने हुए ये ग्लव्स हैं, ये हीट रिटार्डेड है ये भी, और ये हाईली सेंसिटिव है, इसको पहन के आप स्मार्टफोन चला सकते हैं। ओके, ये क्रैश हेलमेट है, क्रैश हेलमेट में दो तरह का वाइजर दिया हुआ है, ये यूवी प्रोटेक्टेड, ये दिन में देखने के लिए, रात में देखने के लिए। जो भी पायलट के डिस्प्ले में जो आता है उसके पैनल में वो सब कुछ इसमें भी शो होता है, जस्ट लाइक वर्चुअल रियलिटी जो आपका एप्पल विजन प्रो में जैसे आते हैं। यस, ठीक है, इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन स्पीकर दिया हुआ रहता है, जिससे कॉन्टेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए 86 का है, जैसे पीछे देखिए। ठीक है, इससे हमेशा इसको कॉन्टेक्ट में रहना रहता है। ये मास्क दिया हुआ है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन से कनेक्शन रहता है, ऊपर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो ये आपको ये ऑक्सीजन की कमी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड पर क्या क्या रखा हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ द ग्रेट परेड परफॉर्मेंस।
वहाँ पे हमने देखा नेवी के सब लोग गाना गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो शॉर्ट में उन चार फोर्ट में क्या क्या रखा हुआ था एग्जीबिशन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सपो देखने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था, हमारे देश की डिफेंस पावर देखकर और उनकी जानकारी जानकर। अगर आपकी सिटी में ऐसा एक्सपो आया तो प्लीज विजिट इट, इट विल बी वर्थ इट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।